आज हमने अपने ग्रुप में डाला था कि हमारे यहाँ जैविक भट्टे उपलब्ध हैं और जो भी सज्जन हमारे विभागीय कृषि अधिकारी हैं वो सादर आमंत्रित हैं इसको निःशुल्क प्राप्त करने के लिए ताज़े और जैविक भट्टे। तो जी हमारे सामने हैं श्री कौंसलेन शरण सिंह परिहार जो हमारे कृषि विभाग में अधिकारी हैं और उनको हम जे बैगन भेंट कर रहे हैं, जैविक बैगन हैं, तो उनको ये पाकर के उनकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं कि परिहार साहब बताएं कैसा महसूस हो रहा है आपको। सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको सारा धन्यवाद देता हूँ। और ये क्या है कि आजकल जो भी सब्जी आ रही है, जो भी फसलों का उत्पादन हो रहा है, उसमें कीटनाशक और खाद रासायनिक खादों का प्रयोग ज्यादा होने से जी वो शरीर के लिए ना है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है जैविक खाद का उपयोग करके, जैविक दवाइयों का उपयोग करके जो आपने ये उत्पादन लिया है सब्जियों का, ये बहुत ही लाभदायक है जी। और इस पर आपने जो प्रेरणा दे रहे हैं सभी को लेने के लिए, वो प्रेरणा स्वरूप में मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग इसका इस रूप में उत्पादन करने के लिए स्वयं करें और अपने क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनको भी प्रोत्साहित करें। उत्पादन भले ही थोड़ा सा कम होता है लेकिन शरीर के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें किसी प्रकार की कोई हानि की संभावना नहीं होती है। बढ़िया। और इसका स्वाद भी अलग आपको मिलेगा। बिल्कुल सही है। जो एक रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उपयोग का उत्पादन होता है और जैविक के उत्पादन में एक आपको अलग ही नेचुरल प्राकृतिक स्वाद मिलेगा। तो मेरा सभी से आग्रह है और लोग भी करें कि और सभी लोग इस प्रकार की जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा दें। इसके लिए शासन भी बहुत ज्यादा प्रयासरत है कि जैविक और कि जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। तो मैं पुनः सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया जैविक खेती के उत्पादन बढ़ाएं। और पुनः एक बार फिर से डॉक्टर सूतकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे इस तरह का जैविक उत्पादन उपलब्ध कराया है। धन्यवाद। तो आपके यहाँ लगाने की जगह है क्या? आप जी हाँ करेंगे? आप कर रहे हैं क्या? छत पे 30x20x60 का छत है। बहुत बढ़िया। जिसमें आपके प्रेरणा स्वरूप मैं भी इसके लिए प्रयासरत हूँ। हाँ, इसको करें तो ये आपके आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि आपको ये जैविक खेती के कॉन्सेप्ट की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी बिल्कुल, उसके बारे में हम बताते हैं आपको।